दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गा मा छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा थो धारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गा मापहा, दुर्गा मज्ञानदा, दुर्गा तेत्यलोकदवानला। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप इंग्लैंड के एक फेमस फैशन मॉडल हैं। आपकी हर एक दिन की कमाई करोड़ों में है, जिसके कारण आपके पास वो सब सुख सुविधा है जिसको पाने के लिए दुनिया के ज्यादातर लोग सपना देखते हैं। पर क्या आप अचानक से अपने करियर और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल का त्याग करके हिंदू योगी का जीवन अपना सकते हो, बावजूद इसके कि आप दुनिया के एक ऐसे मॉडर्न कल्चर में पले बड़े हो जिसका ताल्लुक सनातन धर्म से दूर दूर तक नहीं है, पर आप अचानक से सनातन धर्म को ही अपना जीवन समझ बैठते हो, जिसके कारण इंग्लैंड और पूरी दुनिया में मौजूद आपके फैन हैरान रह जाते हैं। पर बहुत सारे आपके फैन ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाते हैं। सोचिए दोस्तों कि क्या आप ऐसी रईस जीवन शैली का केवल एक हिंदू योगी बनने के लिए त्याग कर सकते हो। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड फेमस सुपर फैशन मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसने अपने करियर का पूरी तरह से त्याग करके हिंदू योगी बना और अपनी पत्नी को भी सनातन धर्म में लीन किया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मिलिए योगी कैमरन एल्बोर्जियन से, एक सच्चा हिंदू योगी जो इंग्लैंड, अमेरिका और दुनिया में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को जीवन जीना सिखाता है। पर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैमरन एक हिंदू योगी बनने से पहले वर्ल्ड फेमस फैशन मॉडल थे, जिनकी पॉपुलैरिटी इंग्लैंड और अमेरिका के साथ साथ पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में थी। इन्होंने अपनी एक सुपर मॉडल की पर्सनैलिटी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए, जिसके कारण इन्होंने एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल भरा जीवन जिया और दुनिया भर में मौजूद इनके करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया। पर दोस्तों इनके जीवन की एक घटना ने इनको अपना रईस जीवन और अपनी मॉडलिंग पर्सनैलिटी को पूरी तरह से त्याग करके हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपने सच्चे दिल से हिंदू धर्म अपनाया और बाद में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी हिंदू धर्म में लीन किया, जो फ्यूचर में इनकी वाइफ बनी। पर दोस्तों अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण दुनिया के सबसे पॉपुलर फैशन मॉडल ने अपना सब कुछ छोड़ हिंदू धर्म अपना। दोस्तों ये बात है सन 2003 की, जब कैमरन एल्बोर्जियन अपने मॉडलिंग करियर के सबसे अच्छे दिनों में थे। तब अचानक इनके एक सबसे क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई, जिसके बाद इनको काफी बड़ा झटका लगा और तब इनको गहराई से ये एहसास हुआ कि अगर इंसान के पास एक शांत मन और एक स्वस्थ शरीर नहीं है तो ये रईस जीवन शैली किस काम की। और इसके बाद ये एक शांत और आध्यात्मिक जीवन की तलाश में चल पड़े और इनके दोस्त की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद योगा प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने सच्चिदानंद आश्रम ज्वाइन किया और यहाँ पर ये योग और आयुर्वेद से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और दोस्तों इसी आश्रम में ही इनको सनातन धर्म के करोड़ों साल पुराने इतिहास के बारे में पता चला कि कैसे योग का प्रयोग प्राचीन समय में अद्भुत शक्तियाँ और अपने मन को शांत करने के लिए हमारे महान ऋषि मुनि और योगी किया करते थे। इसके बाद इनको हिंदू धर्म को करीब से जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती गई, जिसके कारण ये सन 2003 में ही योग आयुर्वेद को गहराई से जानने के लिए भारत चले आए और यहाँ तमिलनाडु के कोयम्बतूर के एक आश्रम में वेदांत, आयुर्वेद और योग का गहराई से अध्ययन किया और यहीं से ही अपना मॉडलिंग करियर का त्याग करके एक हिंदू योगी का जीवन अपनाया, जिसके बाद इनकी गर्लफ्रेंड ने भी सनातन धर्म अपनाया और इन दोनों की तमिलनाडु में ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की, जिसके बाद ये कैमरन से योगी कैमरन और एक ब्रिटिश योगा और आयुर्वेदा थेरेपिस्ट बन गए। और दोस्तों इनकी पत्नी ने भी अपने नाम के आगे योगिनी लगाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों अभी इनकी उम्र 55 साल है, पर आप इनकी फिटनेस को देखकर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनकी एज 55 साल है। पर दोस्तों अगर आपको योगी कैमरन और इनकी वाइफ की स्पिरिचुअल लाइफ को करीब से देखना है तो इसके लिए आपको इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जरूर विजिट करना चाहिए, जहाँ पर आपको इनके द्वारा अपलोड किए गए फोटोज और रील्स से ये साफ साफ पता चल जाएगा कि ये सनातन धर्म के आध्यात्मिक जीवन में कितना ज्यादा लीन हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।